पहलगाम पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ के दिलफरेब नज़ारे दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपनी तरफ मधु करते हैं। My name is Vaibhav Tikku. I'm in class 12th. I'm a student of AGPS Pahalgam and my aim is to be an army officer. My name is Taha Hussain. I'm a student of Army Gurmit Public School Pahalgam. I study in class 10. My aim in my life is to become a doctor. My name is Rasik Rasool Mir. I'm studying in class 10th Army Gurmit Public School Pahalgam and I want to become an astronaut. My name is Azan Iqbal Mir. I'm the student of Army Goodwill Public School Pahalgam. I study in class 12th and my aim is to become a chartered accountant. The Army Goodwill Public School in Pahalgam was conceived in the year 2004 with a vision to be an institution for excellence for the children of Jammu and Kashmir and Ladakh, with a view to provide them a safe and secure and a stimulating environment for learning. एक आइडिया था कि इन बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जो आउटसाइड डिस्टर्बेंस है उससे भी एकदम फ्री, एकदम काम एनवायरनमेंट, जहां पर एक होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होगा बच्चे का वो हो जाए। Being a part of the school, it means that you are not just studying, but you are also learning to develop as an individual and a global citizen. जब आप यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में आते हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है। इट इज नॉट ओनली अबाउट लीडरशिप स्किल्स बट एजुकेशनल स्किल्स एज वेल। In our school, we have getting high facility internet and we are not getting computer lab, we are getting laptop lab. यहाँ एक pollution free environment है। आपको यहाँ हर जगह smart class मिलेगा, proper maintained यहाँ पे labs हैं। स्कूल की लाइब्रेरी में लगभग 7000 के करीब बुक्स है। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बच्चे रहते हैं। हमारे पास डोरमेट्रीज है जो सेंट्रली हीटेड है। खाना जो हम देते हैं, मील जो हम देखें, डाइटिशियन ने प्रोवाइड किया है मेनू, हम उसी मेनू को फॉलो करते हैं। एवरी स्टूडेंट हु इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल एंजॉयज ऑल द पर्क्स एंड द फैसिलिटीज व्हिच वी कैन ड्रीम ऑफ। राइट फ्रॉम गेटिंग द स्टेट ऑफ आर्ट एजुकेशन इन द स्कूल, यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ परफेक्ट स्पोर्ट्सपर्सन, अ सिंगर, एन आर्टिस्ट एंड एन ओरेटर। यहाँ पे जो बच्चों का है ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, उन पे प्रेशर नहीं है कि आपको अगर आगे मूव करना है तो सिर्फ स्टडीज एक ऑप्शन नहीं है। जो मिलके रात जागते थे नैना, ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। ऑन सैटरडे हमारे टैलेंट शोज होते हैं, फुटबॉल मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, बास्केटबॉल मैचेस होते हैं। यू कैन बिकम अ फ्यूचर सॉकर प्लेयर, अ साइंटिस्ट, एन इंजीनियर, एवरीथिंग यू ड्रीम ऑफ। मेरा जो बच्चा है वो क्लास 8th में, सुबह से मॉर्निंग से लेके मतलब डिनर तक, सोने के टाइम तक उसका एक शेड्यूल रहता है, किस टाइम में पढ़ना है, किस टाइम में आपको सेडेटिव करना है। यहाँ का माहौल, यहाँ का उठना बैठना चलना, यहाँ की तालीम, यहाँ के आदर्श, तो ये सबसे अच्छे हैं। हमने अपने बच्चे को यहाँ इसलिए भेजा है कि जो बाहर का माहौल है, कि हमने सोचा कि हमारा बच्चा यहाँ एक अच्छे इंसान की तरह रहे, एक अच्छा सा इंसान बने, एक अच्छा सा कुछ कर सके। जो यहाँ से पास आउट बच्चे हैं वो बहुत सारे शोबों में अपना नाम कमा रहे हैं। कुछ बच्चे इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। I'm sanguine that the school will continue to provide a firm foundation for the children of our area to realize their dream, and to that extent I wish them all the very best.